अब माइक ऑफ ऑन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हैं और माइक ऑन नहीं रहेगा, तो लाइव पढ़ाने से एक सुविधा है कि जहां माइक ऑन नहीं हुआ तुरंत उधर से आवाज आएगी, सर बोल रहे हैं लेकिन माइक ऑन नहीं है। तो थैंक यू फॉर दिस। अभी हम टॉपिक आपको बताएंगे 7.1.7 रासायनिक गुण के अंतर्गत, और वह टॉपिक है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। टॉपिक का नाम है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। तो चलिए चौथा पॉइंट पहले लिखेंगे, और इसका नाम है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, ये है टॉपिक। इसका पहला पॉइंट एनसीईआरटी लिखा है कि यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। पहला पॉइंट, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, फुल स्टॉप नहीं दीजिए, एनसीईआरटी नहीं दिया है इसमें, और कुछ लिखा है है जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, Ca3N2 कैल्शियम इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड, ब्रैकेट बंद, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, तीसरा Na3As2 सोडियम आर्सेनाइड, और चौथा है Zn3SB2 जिंक एंटीमोनाइड। और लास्ट Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ब्रैकेट बंद। मैग्नीशियम बिस्मथाइड पहले लिख लेंगे, उसके बाद
बस इतना ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी, इतना ही पहले जान लेंगे, यही बहुत है। तो ये छोटा सा पॉइंट था इसमें धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता में, इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है। कहता है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम याद होना चाहिए कि टॉपिक का नाम क्या है, तो आपको बताना है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। हम आपसे पूछेंगे क्या सभी तत्व, सभी तत्व का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, और अगर करता है तो किस प्रकार का यौगिक बनाता है, तो आपको बताना है कि द्विअंगी यौगिक बनाता है। हम पूछेंगे किस प्रकार का, तो आप बताइएगा द्विअंगी यौगिक बनाता है। हम पूछेंगे इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या दर्शाता है, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है -3। -3 कैसे होता है सो देखिए बताते हैं। कैल्शियम का होता है +2, कैल्शियम का होता है +2, तो अगर हम +2 यहां 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में हम क्या करेंगे, +6 हो जाएगा, कैल्शियम प्लस होता है, नाइट्रोजन वाला माइनस होता है। पीरियोडिक टेबल 11th में पढ़ना रहता है कि कौन वाला प्लस रहेगा और कौन वाला माइनस होगा। लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो प्लस होगा और राइट साइड वाला जो एलिमेंट आएगा पीरियोडिक टेबल में वो माइनस वाला होगा, 11th में पढ़ाना रहता है। तो पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा तो कैल्शियम रहेगा लेफ्ट साइड और नाइट्रोजन रहेगा राइट साइड, तो इसीलिए ये प्लस वाला हो गया। और नाइट्रोजन क्या है, तो ये जब प्लस वाला लेफ्ट साइड के होने के कारण हो गया तो ये क्या होगा, माइनस वाला। अब यहां अगर प्लस लिखा हुआ +6 तो इसको हम लिखेंगे -3 × 2, तभी होगा 0। ये +6 हो गया और ये -6 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से -3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, कौन दर्शाता है, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। और एग्जाम्पल एक आध को देखना है, तो जैसे इसको भी लिखेंगे +2 × 3, तो फास्फोरस को क्या लिखना पड़ेगा हमको, -3 × 2 = 0 हो गया। तो फास्फोरस का क्या हो गया, -3, और कैल्शियम का क्या हो गया, +2, ऑक्सीकरण अवस्था, इसीलिए लिखा -3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें नाम है कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम नाइट्राइड, यहां देखिए नाइट्राइड नाम है, यहां पर नाम है फॉस्फाइड, यहां पर नाम है आर्सेनाइड सोडियम के साथ, यहां है नाम एंटीमोनाइड, इसका नाम रख दिया एंटीमोनाइड। इसको कैल्शियम ही पढ़ेंगे, ट्राई कैल्शियम नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, इसको भी ट्राई कैल्शियम नहीं लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ है, इसको भी ट्राई सोडियम नहीं लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, और इसको क्या पढ़ता है तो आर्सेनाइड, इसको क्या पढ़ता है नाइट्रोजन को तो नाइट्राइड, है तो बिस्मथाइड, आर्सेनाइड बिस्मथाइड, लेकिन Mg3 को यहां मैग्नीशियम पढ़ा जा रहा है। तो देखिए कौन कौन है, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम को कैल्शियम ही इसमें पढ़ता है, उसमें कैल्शियम है कैल्शियम ही पढ़ेंगे, इसमें सोडियम है तो सोडियम ही पढ़ेंगे, उसमें Zn है तो Zn ही पढ़ेंगे, और इसमें Mg है तो Mg ही पढ़ेंगे। लेकिन N को क्या पढ़ेंगे, N2 को तो नाइट्राइड, क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइड।
पी को क्या पढ़ेंगे? फॉस्फाइड। इसको जब तक बोलेंगे नहीं याद नहीं होगा, फॉस्फाइड। तीसरा को क्या पढ़ेंगे? आर्सेनाइड। चौथा को क्या पढ़ेंगे? एंटीमोनाइड। और पांचवा को क्या पढ़ेंगे? बिस्मथाइड। पहला नाइट्राइड। अच्छा, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सी ए थ्री है, इसमें भी सी ए थ्री है, इसमें भी एन ए थ्री है, इसमें भी जेड एन थ्री है, और इसमें भी एम जी थ्री है। तो नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड और बिस्मथाइड एक बार पढ़ लेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हम अगर अभी पूछेंगे कि अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलेंगे धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? तो द्वि अंगी यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कैसा दर्शाते हैं? तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कैल्शियम के साथ अगर है तो क्या होगा? तो Ca3N2 होगा। फास्फोरस के साथ अगर कैल्शियम होगा तो क्या होगा? Ca3P2 होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम के साथ रहेगा आर्सेनिक, तब क्या होगा? तो Na3As2, सोडियम आर्सेनाइड। जिंक के साथ अगर Sb2 रहेगा तब क्या होगा? तो जिंक एंटीमोनाइड। और मैग्नीशियम के साथ रहेगा बिस्मथ, तब क्या होगा? तो Mg3Bi2, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो बोलेंगे कि अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। यह जो तत्व है, यह किस प्रकार के तत्व और किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? दो प्रकार के और द्वि अंगी यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितना होता है? -3 होता है। अगर कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन होगा तो क्या नाम होगा उसका? फॉर्मूला क्या होगा? Ca3N2। नाम क्या उसका आएगा? कैल्शियम नाइट्राइड। और फॉस्फाइड के साथ, फॉस्फोरस के साथ अगर कैल्शियम रहेगा तो क्या नाम होगा उसका? Ca3P2। नाम क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम के साथ रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? Na3As2। नाम क्या होगा उसका? सोडियम आर्सेनाइड। वेरी गुड। जिंक के साथ अगर एंटीमनी रहेगा तब क्या होगा फॉर्मूला? Zn3As2। नाम क्या होगा? जिंक एंटीमोनाइड। और मैग्नीशियम के साथ अगर बिस्मथ होगा तब क्या होगा? तो अभी जो ये लास्ट टॉपिक था, कि पहले तो हम आपको पढ़ाए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर हैलोजन के साथ रिएक्शन, अभी हम पढ़ाए कि धातुओं के साथ रिएक्शन। तो धातुओं के साथ जब रिएक्शन होगा, क्रियाशीलता जब होगा, तो उसमें कहा जाता है कि इसमें द्वि अंगी यौगिक बनाता है। ठीक है, अगर द्वि अंगी यौगिक बनाता है तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो आपको बताना है -3 उसका ऑक्सीडेशन अवस्था होगा। तो अगर -3 ऑक्सीडेशन अवस्था होगा तो कैल्शियम अगर नाइट्रोजन के साथ हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको बताना है Ca3N2। Ca3 अगर N2 उसका नाम है, लिखा हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा? तो कैल्शियम नाइट्राइड। अगर वही कैल्शियम फिर चल जाएगा फास्फोरस के साथ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको बताना है Ca3P2। नाम क्या होगा? तो कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। फिर कौन आएगा? तो नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आएगा आर्सेनिक। तो आर्सेनिक अगर आ जाए किसी दूसरे के साथ तो उसका नाम हो जाएगा आर्सेनाइड। अगर एंटीमनी आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे जिंक आ जाए एंटीमनी के साथ तो जिंक एंटीमोनाइड। अगर मैग्नीशियम आ जाए बिस्मथ के साथ तो Mg3 Bi2।
तो इसका नाम हो जाएगा बिस्मथ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बिस्मोथाइड। तो इस प्रकार से आपको डाटा याद करना है धीरे धीरे, और कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे तब आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा 100% याद रहेगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव फ्रॉम पटना।